27 में हम देख चुके हैं सीजन नानन को बता देता है कि सीजोंग ने सारा की वजह से बेड गीला कर दिया था क्योंकि उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 28 से पहले पार्ट 27 भी देख लीजिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 28 में हम देखते हैं दानन कहती है क्या ऐसा हुआ था और कहती है माना कि बच्चों से गलती हुई पर वो बच्चों को स्टोर रूम में कैसे बंद कर सकती है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। सारा कहती है दानन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर को बाहर बुलाने की, तुम खुद नहीं आ सकती थी क्या। वो कहती है घर पे तुम कंफर्टेबल फील नहीं करती इसलिए मैंने बाहर बुलाया। मुझे नहीं पता तुम बनाना पील की वजह से बच्चों पे कितना गुस्सा थी पर तुम उन्हें स्टोरेज रूम में कैसे बंद कर सकती हो, वो दोनों भी छोटे बच्चे हैं। सीजों को तो रात को डरावना सपने भी आए, तो प्लीज आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। सारा कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, सीजन की वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा वो तो खुश हो रहा होगा। नंद कहती है तुम बच्चों को बस डांट सकती थी पर बच्चों को अब्यूज नहीं करना चाहिए, सीजोंग बेचारे ने तो अपना बेड गीला कर दिया। अगर तुम्हें बच्चों की सच में परवाह है तो उन्हें पनिश मत करो। और जाने लगी थी सारा उसका हाथ पकड़ कहती है तू कौन होती है मुझ पर आरोप लगाने वाली कि मैं बच्चों की परवाह नहीं करती। दानन हाथ छुड़ा लेती है, वो कहती है पता है ना तू सिर्फ मामूली से ट्यूटर है और मैं बच्चों की होने वाली मॉम हूँ, मैं उन्हें जैसे चाहे उन्हें पनिश करूँ उन्हें मारो कूटू मेरी मर्जी, तो अपनी औकात में रह समझी। दानन कहती है प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ बच्चों की प्यार से देखभाल करो। और जाने लगी थी पर सारा इतने गुस्से में थी कि पीछे से उसके बाल पकड़ खींच लेती है। दानन कहती है छोड़ो मुझे, बट सारा नहीं छोड़ती तो दानन उसका हाथ पकड़ मोड़ देती है और छोड़ते टाइम वो गिर जाती है। दानन कहती है आगे से मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना, प्रेसिडेंट की वाइफ के पास भी मुझे मारने का कोई हक नहीं है समझी। और चली जाती है। सारा जल्दी से दो दो दे खड़ी होती है और मुंह छुपा के भाग जाती है। दानन सोचती है मुझे फालतू में इस सारा के लिए बुरा लग रहा था पर अब से मैं ऐसे इंसान को मिस्टर ली और बच्चों की केयर नहीं करने दूंगी, बहुत हो गया अपनी फीलिंग्स को छुपाना, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहूंगी। और भाग के जहाँ मिस्टर ली को हक कर लेती है वो हैरान तो कहती है मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती, अब से मैं तुम्हें पहले की तरह लाइक करूंगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुशी खुशी प्रॉब्लम का सामना करूंगी, मुझे तुमसे लव करने से कोई नहीं रोक सकता तुम भी नहीं। मिस्टर ली भी उसे हक कर लेता है। दानन रोती है तो उसे छुपाता है। मिरीम शॉप की सफाई कर रही थी तो मीसू उसे हैंड्स पे क्रीम लगाने को कहती है और ग्लव्स पहनने को भी क्या बोलती है, पर बातों बातों में मीसू को मिरीम से पता चल जाता है कि मॉम मिस्टर पाक की सेकंड वाइफ है और देवम मिस्टर पाक का रियल बेटा नहीं है। तो मीसू मॉम पे गुस्सा होती है कि तू मुझसे पैसे लेती रही। मॉम कहती है मैंने थोड़ी ना तुमसे मांगे थे, तुम ही हर बार अपनी मर्जी से देती थी। मिस्टर पाक कहते हैं क्या तुमने मेरी बहन से पैसे लिए, और मिसू से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ तो आगे से मुझे पैसे मत देना। और फिर मॉम पे गुस्सा करते हैं। मॉम कहती है हम इतने गरीबी की लाइफ जी रहे हैं, क्या तुम फौरन नहीं जा सकते, $1,00,000 मिलेंगे, बताओ ऐसी क्या वजह है कि तुम जाने से मना कर रहे हो। इधर ये सब घर पे ही करोका रूम बना के गाना गा रहे थे और नाचते हैं तो सीचन वीडियो बनाकर मिस्टर ली को सेंड कर देता है। मिस्टर ली देख के हंस रहा था पर दानन को खुश देख उसे कुछ कुछ हो रहा था इसलिए बंद कर देता है। सारा उसे फोन कर कहती है हम आज रात डिनर पे चलेंगे, वो कहता है सॉरी पर मैं बहुत बिजी हूँ और फोन काट देता है। सारा कहती है मैं इसकी फियांसे हूँ पर ये मुझे कभी डेट के लिए नहीं पूछता, ऊपर से मुझे रिजेक्ट कर दिया, खड़ूस का इनका, कहीं एंगेजमेंट ना तोड़ दे, नहीं नहीं प्रेसिडेंट होकर ये ऐसा नहीं कर सकता। रात में जब वो जाने लगी थी उसका एक्स हस्बैंड फिर से टपक पड़ता है, मैंने सुना है तू एंगेज्ड है वो भी प्रेसिडेंट की फियांसे, तभी तो इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, तो मुझे पैसे देने से मना क्यों कर रही थी, चल अब जल्दी से $30,000 निकाल। सारा खुद को छुड़ाने लगी थी तभी मामा आता है छोड़ उसे और एक्स हस्बैंड को धो डालता है। एक्स हस्बैंड पुलिस में पहुंच जाता है कि इसने मुझे बिना बात के मारा। सारा पैसे देकर एक्स हस्बैंड का मुंह बंद करा देती है कि आगे से कभी मेरे आसपास मत भटकना। मामा कहता है सॉरी मैं बहुत गुस्से में आ गया था, वो कहती है कोई बात नहीं इसे तो मैं भी धोना चाहती थी, अच्छा मेरे बदले तुमने धो दिया। मामा हंस पड़ता है तो कहती है चलो साथ में खाने चले।
फिर मामा टल्ली सारा को पकड़ के घर छोड़ने आ रहा था, बट वो उसे हक्का लेती है। मुझे सिर्फ दो इंसानों के लिए बुरा लग रहा है, और तुम उनमें से एक हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, वो कहता है। तुम मेरे लिए बुरा मत मानो, घर जाओ। वो कहती है, नहीं मैं बहुत बुरी हूँ। बट वो उसका पर्स पकड़ा के चला जाता है। सारा की मॉम पूछती है, वो लड़का कौन था? सारा कहती है, कोई नहीं, बस स्ट्रेंजर था। दादन बाहर ठंड में मिस्टर ली का वेट कर रही थी। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे वेट कर रही थी? वो कहती है, नहीं तो मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगी? मैं तो बस सूजन को सुला के बाहर आई थी, मुझे भूख लगी थी तो नूडल्स खाने जा रही थी। वो कहता है, तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो घर चलो। वो कहती है, नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नूडल्स खिलाऊंगी। तभी मिस्टर ली के पेट में चूहे कूदने की आवाज आती है। वो कहती है, क्या तुमने डिनर नहीं किया? वो कहता है, मैं काम में बिजी था तो भूल गया। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। वो कहती है, नहीं भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, चलो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। जब वो नूडल्स खाने लगे थे, मिस्टर ली पूछता है, क्या तुम्हें सच में ठंड नहीं लग रही? वो कहती है, हाँ तुम्हारे साथ मुझे वार्म फील हो रहा है, वैसे क्या नूडल्स टेस्टी है? वो हाँ करता है। तो कहती है, हाँ क्योंकि तुम मेरे साथ जो खा रहे हो। तो वो हंस पड़ता है। दानन कहती है, तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, पर हमेशा तुम्हें मैं ही अपने पैसों से नूडल्स आइसक्रीम खिलाती हूँ, तुम्हें नहीं लगता ये सही नहीं है? वो कहता है, क्योंकि तुम ही हमेशा मुझे ट्रीट देती हो, पहले मैं पैसे देने लगा था तो तुमने पे कर दिया। वो हंस के कहती है, ठीक है तो अगर तुम बैरस हो तो मुझे अगली बार तेबोकी खिला देना, पिंकी प्रॉमिस। वो चुप बैठा था। तो कहती है, मैं कौन सा कली ट्रीट देने को बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी चाहे वो एक साल बाद ही क्यों ना हो। मिस्टर ली पिंकी प्रॉमिस कर देता है और दोनों खाते हुए हंसते हैं। मिस्टर पा को ऐना का फोन आता है बट वो काट देते हैं, पर मैसेज आता है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो मिस्टर पाक भाग के आते हैं, ऐना बीमार पड़ी थी तो वो उठा के हॉस्पिटल भागते हैं। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए, ये खाना और मेडिसिन सही से नहीं खा रहे, ऐसे तो इन्हें दोबारा से कैंसर हो जाएगा। मिस्टर पाक पॉरिश बनाकर उसे खाने को बोलते हैं। वो कहती है, तुम जाओ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे कुछ भी हो। मिस्टर पाक कहते हैं, ओके मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि फॉरन भी चलूंगा। ऐना उसे हक्कर लेती है। तो मिस्टर पाक भी ऐना दानन को मिलने बुलाती है और बताती है कि तुम्हारे डैड ने नहीं बताया, जब हम दोनों फॉरन जाएंगे तो तुम्हारे डैड भी हमारे साथ चलेंगे, मैंने उन्हें जॉब ऑफर की है। दानन कहती है, मैं आपके साथ फॉरन नहीं जा सकती। वो कहती है, पर तुमने तो पहले हाँ कर दिया था ना। मिस्टर ली को लॉयर की बात याद आती है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, और वो दानन को फोन कर कहता है, चलो मैं तुम्हें आज लंच में तबोकी की ट्रीट दूंगा। दानन तो खुशी के मारे उछल पड़ती है और फिर अपने लिए कपड़े चूज करने लगी थी। इधर ऐना अचानक मिस्टर ली से बात करने आती है और कहती है, तुम्हें तो पता है ना मैंने दानन को अपने साथ फॉरन में जॉब ऑफर की थी, उसने हाँ कर दी थी। मिस्टर ली कहता है, क्या कहा तुमने, दानन फॉरन जा रही है? वो कहती है, हाँ तुमने तो उसे इंग्लिश क्लासेस की परमिशन भी दे दी थी। अरे हाँ तब तुम 22 साल के थे ना, तो तुम्हें कुछ याद नहीं है, दानन ने पहले तो हाँ कर दिया था पर अब वो फॉरन जाने से मना कर रही है, वो जरूर जैनी सीचन और सीजों की वजह से रुकना चाहती है। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम बच्चों के लिए दूसरी ट्यूटर ढूंढ लेना, दानन अभी यंग है, उसका फ्यूचर और करियर भी तो है, तो क्यों ना तुम दानन को मनाओ कि वो मेरे साथ फॉरन जाने के लिए मान जाए। मिस्टर ली तो एकदम हैरान था और कंफ्यूज भी था कि वो आखिर करे क्या। मिस्टर पाक कहते हैं, क्या तुम सच में चाहती हो मैं फॉरन जाऊं? मॉम कहती है, हाँ माना कि फॉरन में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर इतने पैसों से हम सबकी लाइफ सुधर जाएगी, बस सिर्फ 5 साल के लिए फॉरन में रह लेना। वो पूछते हैं, क्या तुम मेरे बिना रह लोगी? वो कहती है, और नहीं तो क्या, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, तुम्हारे बिना रहना थोड़ा मुश्किल है पर मैं सब सह लूंगी। मिस्टर पाक कहते हैं, ओके मैं जाऊंगा। तो वो खुशी के मारे उन्हें हक कर लेती है। मिस्टर पाक ऐना का फोन ही उठा रहे थे। मॉम कहती है, जल्दी से ऐना के पास चले जाओ, जरूर कोई काम होगा, रेस्टोरेंट को मैं और देवम संभाल लेंगे। और मिस्टर पाक के जाने के बाद खुशी के मारे नाच पड़ती है। ऐना मिस्टर पाक को बताती है कि दानन फॉरन जाने से मना कर रही है मिस्टर ली के बच्चों की वजह से, मैंने मिस्टर ली से बात कर ली है, वो दानन को जरूर मना लेगा, मैं दिल से चाहती हूँ कि दानन हमारे साथ चले। मिस्टर पाक कहते हैं, थैंक यू मेरी बेटी की इतनी केयर करने के लिए। वो कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे दानन अपनी बेटी जैसी लगती है। तभी दानन आकर कहती है, हमें तो साथ में तबोकी खानी थी ना, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो कहता है,
सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ दबाव की खा पाऊंगा। मैंने अच्छे से सोच लिया है, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तो मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता। इसलिए तुम ऐना के साथ फौरन चली जाओ, तुम्हारा करियर और फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। नंदन की आंखों में आंसू आ गए थे और कहती है, क्या बोल रहे हो, मैं फौरन नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम क्लियरली मुझे लाइक करते हो, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहता है, हम कभी एक नहीं हो सकते। कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी या बहन को 3 बच्चों के बाप से शादी नहीं करने देगा। तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, तो मुझ पे वेस्ट करने की बजाय अपना करियर बनाओ। नंदन कहती है, नहीं, जैनी, सीचन और सीजों का क्या होगा, मैं उनके साथ रहूंगी। वो कहता है, तो मैं नई ट्यूटर ढूंढ लूंगा, और चला जाता है। नंदन रोती रह जाती है। मिस्टर पैक नंदन को समझाते हैं कि तुम बच्चों की वजह से अपना फ्यूचर करियर दांव पर मत लगाओ, मैंने तो तुम्हारी वजह से फौरन जाने को हाँ किया था। नंदन कहती है, डैड तुम फौरन जाओ, बच्चों को मेरी जरूरत है, तो मैं अभी नहीं जा सकती। मिस्टर पैक कहते हैं, एना ने तुम्हें इतना अच्छा चांस दिया है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जूनो मिरीम के लिए बहुत सारा खाना खरीद लेता है। वो कहती है, ऐसा लग रहा है तुम मेरी फैमिली हो, तो वो उसे हक कर लेता है और फिर उसके लिए टेस्टी डिश बनाता है। मिरीम मजे से खाती है और कहती है, तुम अपनी मॉम को मना लो, मेरी टेंशन मत लेना, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। इधर ये सब खुश होते हैं कि मिस्टर पार्क फौरन जा रहा है। दानन मिस्टर ली को जाके पूछती है, तुमने डिनर कर लिया, चलो कुछ खाने चले, गेम भी खेलेंगे। वो कहता है, क्या तुम्हें एक बार समझ नहीं आता मैंने क्या कहा था? वो कहती है, मैं फौरन नहीं जा रही, मैंने मिस सैना को भी बता दिया। वो कहता है, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम 3 महीनों बाद जॉब छोड़ दोगी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम फौरन जाओ या ना। वो कहती है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। वो कहता है, मैं किसी और से इंगेज्ड हूँ, तो तुम्हें मुझ पर ट्राई मारने का कोई हक नहीं, हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया है, अब तुम सिर्फ मेरे बच्चों की ट्यूटर हो, तो आगे से लाइन क्रॉस मत करना। नंदन कहती है, मिस्टर ली ऐसे क्यों कर रहा है? इसी के साथ पार्ट 28 का एंड हो जाता है। तो देखते हैं सीचन और सीजोंग मिस्टर ली और नंदन को करीब लाने के लिए क्या क्या करते हैं। ये जानने के लिए आपको पार्ट 29 देखना होगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।